कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है बच्चे का? मतलब मैं उसका भाना मामा हूँ, इधर देखो। भानेज का था, भानेज था हमारा प्रतीक, जिसको मतलब कि 7-1 साल उम्र थी इसकी, तो उसके पापा ने इसको मार दिया। कैसे मारा, क्या करा उसके साथ, वो तो हमको पता नहीं है। कारण क्या रहा मारने का, क्या मतलब? वो उसकी जो मम्मी थी वो शांत हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने एक शादी कर ली थी, तो उसके बाद में दूसरी शादी कर ली थी, दो शादी कर ली थी उससे, तीसरी शादी थी उसकी। जो भांजा है आपका, ये किसके साथ रहता था? ये उसके पापा के साथ में रहता था। तो कभी भांजे ने बताया कि सोतेली मम्मी है तो लगातार परेशान कर रही है, या पिता परेशान कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात सामने आई? मतलब ऐसा तो उसने बताया था कि बुरा लगता है मेरे को, मेरे क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से क्यों मारा होगा, क्या शराब के नशे में थे? बस उसके बीबी के कहने पे ही मारा होगा उसको, क्या बीबी नहीं रखना चाहती थी? हाँ हाँ ऐसा ही कुछ होगा। कितनी उम्र थी बच्चे की? 7-1 साल होगी। कौन सी क्लास पढ़ता था ये? वो तो पता नहीं मेरे को। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रवि राठौर। थाना क्षेत्र में एक मर्द कायम हुआ है, इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम क्या नाम पर सामने आया? थाना तेजाई नगर पर मर्ग क्रमांक 42 2023 धारा 174 जाप्ता फौजदारी का, आज दिनांक 15/5/2022 को सूचनाकर्ता कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यम शुक्ला MYS इंदौर की सूचना पर मृतक प्रतीक मुंडे पिता शशिपाल मुंडे उम्र 6 साल निवासी शंकर मोहल्ला लिम्बोदी का की मृत्यु के संबंध में दर्ज हुआ है। घटनाक्रम ये कंप्यूटर ऑपरेटर सूचना ने टेलीफोन जरिए सूचना दिया कि आज दिनांक को मृतक प्रतीक मुंडे पिता शशिपाल मुंडे निवासी शंकर मोहल्ला लिम्बोदी इंदौर को आज दिनांक 15/5/2023 को 9:57 परिजन राजेश मुंडे वास्ते उपचार लेकर आए थे, जो मृत होना पाए जाने से शव मोर्चरी रूम में रखा है। मृत्यु उसकी शंकास्पद है, उसके गले पे और मुंह पर चोट के निशान है, हत्या की आशंका की गई है। उसकी जांच की जा रही है, अभी रिकॉर्ड में नहीं है ये। पिता ने बच्चे को मारा है क्या? अब ये क्लियर अभी नहीं है, जांच हो, जांच में से है, जांच पे जब आएगा तो। जब बयान अभी हुए नहीं, पिता ने मारा है। अभी जांच, इसकी सौतेली माँ तो मायके में जाने की सूचना है, और ये अपने पिता के रूम में ऊपर सोया था, इतनी जानकारी है। और इसका पिता मौके से फरार है। ये 6 साल इसमें लिखाई है, पर 7 के लगभग है, वो 7 में कम है। जी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। मैं लड़के का बड़ा पापा हूँ, प्रतीक मुंडे नाम है लड़के का। उसके पापा ने रात को खाना ना खिला के मैं ऊपर ले गया, तो उसकी दादी ने बोला कि बेटा यहाँ सो जा मेरे पास। तो प्रतीक ने बोला कि मैं मेरे पापा के पास सोऊंगा, मैं कूलर में सोऊंगा और पंखे में सोऊंगा। फिर उसके बाद वो ले गया रात को, अब पता नहीं क्या हुआ, अब हम भी नीचे सो गए। मेरे से छोटा वाला बात नहीं करता था, अलग हम हुए जैसे कोई बात नहीं। मम्मी ने देखा, मम्मी के पीछे पीछे मैं भी गया था, आवाज़ दी मम्मी ने, तो फिर दौड़ के मैं गया। मैं बना रहा था खाना, क्योंकि मैं इधर अलग रूम में रहता हूँ। तो बच्चा पड़ा हुआ था, तो मम्मी अंदर से बाहर लेके आई, बाहर से दरवाजा लगा हुआ था, बच्चा अंदर था। जैसे कि कुछ बच्चा जैसे कुछ बोले हुए तो दरवाजा खोल के बाहर आवे नहीं, तो इसलिए क्या बाहर से दरवाजा लगा के वो चला गया। तो बच्चा क्या लघु दुआ ने हालत में था, कैसा? नहीं, धतकड़ी बिछी हुई थी, मर चुका था। हाँ, सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे मम्मी उठाने गई कि प्रतीक के लिए दूध चाय के लिए उसको उठा के लाऊं, तो देखा तो लड़का पड़ा हुआ था, न बाहर से दरवाजा लगा हुआ। क्या लगता है कि पिता ने मारा है? पिता ने मारा न मार, कारण क्या रहा मारने का? उसको बीबी ने धमकी दी थी, उसकी घरवाली ने, दूसरी औरत ने, नादानपुरा। किस तरह की धमकी दी? अब ये मेरे को मालूम नहीं है, सिर्फ इतना मम्मी ने बताया था कि ऐसा कोई विवाद हुआ होगा,
कि तुम वो छोरे को मार डालोगे तो मैं रूंगी, ये नहीं। अब पता नहीं फोन पे कुछ बात नहीं बताया आपको कि मेरे पिता या मेरी माँ के कारण मुझे लगातार तारीफ करते हैं, बात सामने आई नहीं? बच्चे ने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ? नहीं, वो कल फोन पे बात हुई, उसके बाद पता नहीं। अब फोन पे मेरे को, मैं तो ड्यूटी चला गया था, और पता नहीं निशान निशान है, गले में निशान है। माँ उसकी दूसरी माँ नादनपुरा है, वो शांत हो गई। कितने साल पहले? वो चार पाँच साल हो गए। पिता ने हत्या की है? हाँ, पिता ने रात को